अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और मुझसे पूछा गया है कि वुमेन डे के हवाले से आप ख्वातीन को क्या पैगाम देती हैं। मैं तो सबसे पहले ख्वातीन को मेरा जो पैगाम है ना कि प्लीज़ एम्ब्रेस योर वर्थ, ये मेरा आपके लिए मैसेज है। अपनी वर्थ को एम्ब्रेस करो बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। ये वो वक्त है कि अगर आपने खुद को ना पहचाना, अपनी वर्थ को ना पहचाना और अपने आप पे इन्वेस्ट ना किया, तो यकीन कीजिए कि मुआशरे को आपकी कतई ज़रूरत नहीं है। ये वही आपके बाप, वही भाई, वही शोहर, वही बेटे जिनके लिए आप जान भी देने के लिए तैयार रहती हैं, आज आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम हो गया तो यकीन कीजिए कि शायद 2 या 3 माह के बाद कोई आपकी ज़रूरत को भी महसूस ना करे। तो इससे पहले कि आप मिट जाएं लोगों पर कुर्बान होते होते, तो आज से ज़रा इस वुमेन डे पे अपने आप पे तो थोड़ा सा कुर्बान हो जाएं, ठीक है। मेरा यही मैसेज है आप लोगों को। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इन्वेस्ट करें। लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कहते हैं खुद पे इन्वेस्ट करें, कैसे? हमारे पास कोई पैसे हैं कि हम जाके वो कपड़े ले आए, जूते नए ले आए? आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर लेंगी। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद की एप्रिसिएशन। अभी जाएं, आईने के सामने जाएं, खुद को देखें, खुद को एक्नॉलेज करें, तारीफ करें, देखें और कहें मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरी 2 आंखें कितनी प्यारी हैं। आपका मियाँ तारीफ नहीं करता, माई फुट छोड़ दें कि कोई आपकी तारीफ करे। खुद के मियाँ बन जाएं, खुद अपना हस्बैंड खुद बने, खुद की तारीफ करें, खुद की ताकत को देखें और कहें कि मैं ताकतवर हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। जो बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग हैं, बाहर जाती हैं, रोज़ाना सुबह कहकर जाएं कि यस, मुझे बाहर जाके ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है। मैं ऐसे प्रेजेंट करूँगी कि दूर से देखने वाला कहेगा इसका जिस्म इसकी मर्जी, कोई मेरी आंखों में आंखें डालने की जरूरत नहीं करेगा। ऐसे उस बच्ची को जाना है। वो माँ जो सौदा सलफ लेने जा रही है, वो अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करे, खुद को देखे, उसको मत कहे लोग के अम्मा जी हुण तुहाडी उम्र गई दुपट्टा तुसीं लै लो तस्बीह फड़ लो, उसकी एज है। हर दिन जो अल्लाह ने दिया है, हर सांस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप खुद को सजाएं, सजना संवरना खूबसूरत लगना आपका हक है। कोई बेटा अपनी माँ को यह ना कहे माँ तूने क्यों लिपस्टिक लगाई है। औरत अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस को समझेगी तो वो माशरे में हेल्दी माशरा तश्कील करेगी, और हेल्दी माशरा तभी होगा जब वो अपनी वर्थ को पहचानेगी। ये नहीं कि पहले आपके बाप ने आपकी बेइज्जती की, फिर आपके भाई आप पे चढ़ते रहे, फिर आपका शोहर आपकी इंसल्ट करता रहा, और जब आपके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने आप पे छाया कर ली। नो, आपकी वर्थ है। आज बाहर जाए एक नौकरानी भी आपको ऐसे नहीं मिलती, ठीक है। अपनी वर्थ को पहचानिए, आप बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बदतमीजी करें, आप सिर्फ अपनी वर्थ को पहचाने कि आप कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को पहचानेगी तो दुनिया के दूसरे लोग भी आपको